सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर वो ये सब चीज समझ आ गई ना अच्छे से, अभी ये बहुत आसान लगने वाला है तुमको अगर पहले वाला टॉपिक समझ आ गया तो। सपोज कर लो आपके पास इस तरह से एक 2D सिस्टम है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ दो ही पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। लेट अस कंसीडर, अगर दो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, चलो ऐसे मान लो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, है ना। लेट अस कंसीडर देयर इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2, ठीक है। इसको लिखेंगे लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया हमने, देयर इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है, देयर इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, है ना, कंप्राइजिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कितने से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, दो ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, हैविंग मास, कितने कितना मास है उनका, हैविंग मास m1 एंड m2, सही है ना। कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो दो ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है, ठीक है जी। अब जैसा कि तुम्हें पता है, अब तुम सियाने हो गए, तुम्हें पता है कि यार दो मास हैं, m1 m2 है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा किया हुआ है, तो सर इसमें तो आपको पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा सेंटर मास तक पहुंचने के लिए, है ना। अभी जो किया हम लोगों ने वही कर रहे हैं फिर से, वो n पार्टिकल्स के साथ किया था, यहां पे दो ही पार्टिकल्स साथ करना है, बस इतना फर्क है। तो बताओ मान लो कि r1 जो है इट इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ m1 और r2 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, ठीक है जी। ये पहले भी किया हम लोगों ने n पार्टिकल्स के लिए, इसके लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या ड्रा किया मैंने, हियर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, भाई पोजीशन तो बतानी है ना, ये कहां पे है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 एंड m2, भाई ठीक है जी। m1 और m2 का r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब दो पार्टिकल सिस्टम है तो इसका सेंट्रल मास भी कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो मान लो कि यार इसका सेंट्रल मास ना का पॉइंट ये है, ठीक है, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट जो है ना ये है क्या, सेंटर ऑफ मास, लेट पॉइंट पी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलो लिख देते हैं इसको, लेट पी बी द पॉइंट, इसको पी पॉइंट नाम दे दो, लेट पी, नहीं पी क्योंकि हमें मोमेंटम को भी देना आगे, लेट ऐसे लिख देते हैं, लेट सी ओ एम बी द सेंटर ऑफ मास, बी द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पी का ना कहीं और भी यूज होना है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेट सी ओ एम, जो मैंने देखा सी ओ एम यही है क्या, सेंटर ऑफ मास। अब तुम्हें पता है यार सेंटर ऑफ मास है तो इसका खुद का भी तो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, कहाँ है कौन बताएगा, ये पॉइंट कहाँ है कौन बताने वाला है, भाई पोजीशन वेक्टर बताने वाला है। जैसे मास m1 कहाँ था इस 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसने बताया, r1 पोजीशन वेक्टर ने बताया। m2 मास कहाँ था इस 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसने बताया, r2 पोजीशन वेक्टर ने बताया। तो इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक और पॉइंट ड्रा किया जिसका नाम क्या है, सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास, ये कहाँ है कौन बताने वाला है, हाँ ये कौन बताने वाला है, ये भी तो एक पोजीशन वेक्टर बताएगा ना मुझे, कौन है वो पोजीशन वेक्टर, उसका नाम रख देते हैं हम आर। चलो जी ये लो, ये आ गया आर वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे आर वेक्टर क्या होगा, हाँ आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास। और कैसे मिलता है ये मुझे, अभी तो निकाला आप लोगों ने, याद है आर वेक्टर किसके बराबर आया था, m1 r1, वहां पे n पार्टिकल से, यहां पे दो ही है तो क्या आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, खत्म कहानी। अगर आया भाई सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम तो यहां पे कहानी हमारी खत्म, स्टोरी क्लोज। बट आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे आने वाला है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए बोलने वाला है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने कहा ना मोमेंटम हर जगह कंजर्व करता है, तो यहां पे भी देखेंगे हम क्या सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व करता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक ही डेरिवेशन है, तीन तरह से पूछी जा सकती है, ये पूछ सकते हैं ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ऑफ किसका, सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास में जो मोमेंटम है क्या वो कंजर्व करता है इन टू पार्टिकल सिस्टम। अगर ऐसे पूछा ना उसने एग्जाम में, तब भी तुमको यही कहानी दोहरानी है, ठीक है। अच्छा, यानी कि आगे भी हमने क्वेश्चन को लेके जाना है। अब अगर सपोज करते हैं, अब देखो बात आ रही है भाई मोशन निकालो, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, है ना, मोमेंटम को कंजर्व करके बताओ, भाई मोमेंटम को कंजर्व करके बताना है तो उसका मतलब हमें यह कहना पड़ेगा कि भाई साहब इस पे क्या लगने वाली है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं उसमें मैं, भाई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, बाहर से धक्का दूंगा इस सिस्टम को तो ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा,
इसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, अगर वेलोसिटी आएगी तभी तो मोमेंटम आएगा, ठीक है ना। अगर मोमेंटम आएगा तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि यार क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहता है कि नहीं रहता है। तो यानी कि आ जाके मुझे इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं इसकी इक्वेशन फाइंड कर पाऊं, है ना, और मोमेंटम की बात कर पाऊं। अगर मैं इस पे फोर्स ही नहीं लगाता हूं, यानी कि अगर मैं इसको मूव ही नहीं करता हूं तो कहानी खत्म, मूव ही नहीं करूंगा, वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो कहानी खत्म, फिर मोमेंटम ही नहीं होगा। तो यानी कि अब मैं इस पे क्या करने वाला हूं, एक फोर्स लगाने वाला हूं। कौन सी? अब बाहर से फोर्स लगेगी ना, इंटरनल फोर्स तो नहीं लगनी है इस पे, है ना। इंटरनली ये लगा भी रहे होंगे फोर्स, ऐसी बात नहीं है, हर एक बॉडी एक दूसरे फोर्स लगाती है, लेकिन उसका ओवरऑल आंसर क्या है? जीरो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस बॉडी को टोटली मूव करवाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो लगाऊं यहां पे, लेट एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स, चलो ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है जी, ये लगी इस पे एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स लगी है तो भाई साहब ये पूरी पूरी बॉडी मूव कर रही होगी, है ना। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स, मैं कहता हूँ चलो सेंट्रल मास पे लगी, कहाँ लग रही है? सेंट्रल मास पे लग रही है। और सेंट्रल मास अगर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है यार पूरी पूरी बॉडी मूव कर रही होगी, है ना, क्योंकि हमें कह रहा है कि ये भैया सेंट्रल मास पे अगर लगेगी तो पूरी पूरी बॉडी मूव करनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल मास ही एक ऐसा पॉइंट है जो जैसे एक्ट रिएक्ट करता है पूरी पूरी बॉडी वैसे एक्ट करती है, है ना। तो अब बताओ, तो इसका मतलब वेलोसिटी आई होगी। अब वेलोसिटी किसको किसको मिल रही होगी भाई? मास M1 भी चल रहा होगा, मास M2 भी चल रहा होगा, सेंट्रल मास तो चल ही रहा होगा, है ना। तो मान लो लेट करते हैं, लेट V1 वेक्टर बी द एंड एंड V2 बी द वेलोसिटी ऑफ, किसकी किसकी वेलोसिटी ऑफ मास M1 एंड M2, ठीक है जी। मान लो देखो ना यार, आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे, तो जब बॉडी चलेगी, है ना, तो मास M1 नहीं चलेगा क्या? मास M2 भी चलेगा, चलेगा ना, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से चलेगा। तो वो वेलोसिटी क्या है? मान लो V1 और V2 है। अच्छा ये V1 होगा किसके बराबर वैसे? तो V1 वेक्टर किसके बराबर होगा भाई? होता क्या है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, तो ऐसे निकालते हैं dr1 वेक्टर डिवाइड, ठीक है। इसी तरह से एंड V2 वेक्टर किसके बराबर होगा? dr2 वेक्टर बाय dt, सही है। V1 इसके बराबर, V2 इसके बराबर। अच्छा अगर मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम किसके बराबर होगा? P1 किसके बराबर होगा बताओ भाई? P1 किसके बराबर? मास M1 into V1 एंड ओवर P2 किसके बराबर होगा? मास M2 into V2, ये होगा ना। अच्छा क्यों ना यार इसकी वैल्यू में यहां पर ये वाली डाल दूं जो यहां पे ऑलरेडी है। तो फिर P1 की वैल्यू क्या आ गई? यही M1, V1 की वैल्यू क्या है वो देखो ऊपर, dy dt r1 वेक्टर, और P2 की वैल्यू क्या है? डी एम टू इंटू डी वाई डी टी आर टू वैक्टर, लिख सकते हैं ना, से लिख सकते हैं ना, ठीक है जी। अच्छा टोटल मोमेंटम कितना हुआ सिस्टम का? ये तो आ गया ना भाई, मास एम वन का ये मोमेंटम आ गया, मास एम टू का ये मोमेंटम आ गया, तो अब कलेक्टिवली पूरी पूरी फोर्स लग रही है, तो टोटल मोमेंटम कितना लग रहा है? देखो ना ये फोर्स जो है, ये मैंने कहाँ लिखा? सिर्फ मास एम वन पे लिखा क्या? नहीं, ये बोल रहा हूँ पूरी पूरी फोर्स पूरी बॉडी पे लग रही है। तो इसलिए पूरी बॉडी पे जब लगेगी तो चलो पहली बॉडी का मोमेंटम M1 P1 हो गया, दूसरी का P2 हो गया, तो टोटल मोमेंटम कितना होगा? नौ। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बताओ, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा बताओ? वो किसके बराबर होगा? P किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2 होगा यार। तो P1 प्लस P2 करें कितना आएगा बताओ? P किसके बराबर आ गया? P1 की वैल्यू क्या है? M1 M1 डी बाय डी टी आर वन वैक्टर प्लस M2 डी बाय डी टी आर टू वैक्टर, सही है ना। कुछ नहीं कर रहे यार, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ से उठाई यहाँ डाली, यहाँ से उठाई यहाँ डाली, और कुछ नहीं किया और एक्स्ट्रा। अच्छा एक काम करते हैं यार, इस डी वाई डी टी को और इस डी वाई डी टी को अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो बात, तो भाई बहनों क्या होगा? यह आएगा डी वाई डी टी बाहर, पीछे क्या बचा? M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर, ठीक है जी। देखो मैंने करना पता क्या, बेसिकली मैंने ना मास M1 M2 का अलग अलग से निकाल के मैंने सेंट्रल मास तक पहुंचना है, ठीक, कलेक्टिवली निकालना है उनका सेंट्रल मास का भी, ठीक है। ये तो किसका निकल रहा है? ये अलग से, ये देखो ये चीज़ क्या निकल रही है, इट इज अ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इट इज अ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। हमें कहाँ रीच करना है? हमें बोलना है कि सेंट्रल मास किसका, उसका मोमेंटम किसका? सेंट्रल मास का, है ना। ये मोमेंटम किसका? फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम, सेकंड बॉडी का। हमें कहाँ तक पहुँचना है? मोमेंटम ऑफ द सेंट्रल मास, उसी के लिए सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। अच्छा अब
अभी देखो ये आगे मेरे पास क्या P किसके बराबर है, डी बाई डी टी एम वन आर वन डिवाइड बाई एम टू आर टू। अच्छा अब कुछ किया जा सकता है क्या, मेरे को किसका मोमेंटम निकालना है, सेंट्रल मास का। सेंट्रल मास की शक्ल कैसी होती है, ऐसी ऐसी कुछ कुछ मिलने लगी है, कुछ कुछ शक्ल मिलने लगी है ना। बट यार थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये M1 था, M1 R1 है, M2 R2 था, M2 R2 है, ठीक है, लेकिन यार नीचे M1 प्लस M2 भी है। अगर कैसे कैसे ना करके अगर ये आ जाता तो फिर तो मज़ा हो जाता है ना। तो नहीं है तो लाएँ, नहीं है तो लाएँ, इसको कैसे लाएँगे बताओ। तो P अगर मैं जानबूझ के कर लूँ M1 प्लस M2 यहाँ पर और dy dt, और यहाँ पर भी लिख दूँ M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय M1 प्लस M2, तो अब तो बात बन गई हमारी है ना, कट के वही आ जाएगा। अब ये क्या है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये तो सेंटर मास है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख दूँ उसको, P किसके बराबर आया, अच्छा M1 M2 को कलेक्टिवली M कर दूँ क्या, ठीक है M कर दूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। और dy dt क्या बना, ये R नहीं बन गया, वाट इज R, इट इज सेंटर मास। तो ये वाट इज P, अब ये कौन सा मोमेंटम है, इट इज द मोमेंटम ऑफ द सेंटर मास, ये मोमेंटम है सेंटर मास का, ये मोमेंटम है किसका, सेंटर मास का, कुछ अलग लग रहा है। अब उसको dr/dt, वाट इज dr/dt, वाट इज dr1/dt, इट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वाट इज dr2/dt, वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल, वाट इज dr/dt, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, भाई वो भी तो चल रहा होगा, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। तो भाई कुछ चेंज नहीं है, वही है, वाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वाट इज m, इट इज द मास ऑफ टोटल सिस्टम, तो वाट इज dr/dt, इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। तो ठीक तो लिखा है, p इज इक्वल टू m इनटू v, वही तो है। तो ये क्या, ये आया मोमेंटम किसका, एक तरह से देखा जाओ सेंटर मास का, ठीक है जी, किसका आया मोमेंटम, किसका, सेंटर मास का। अच्छा अगर आया, देखो ये क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकते हैं, बोले भाई सिर्फ निकालो मोमेंटम और सेंटर मास, तो भाई यहां तक कर लो, सिर्फ इतना है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ सेंट्रल मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो यहां तक लिखना है इसको। अच्छा अगर कंजर्वेशन आई फिर थोड़ा अलग करना है, थोड़ा सा आगे जाना है। अच्छा उससे पहले मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ पता है, एफ इजिकल टू एम ए, और ऐसे होता था एफ इजिकल टू dp/dt, एक ही बात है। तो अगर मैं अब ये देखूं कि भाई भाई मैं देखने वाला हूं कि यार जो मैंने ये धक्का लगाया था ना, धक्का लगाया था पूरी बॉडी पे, मैं ये देखना चाहता हूँ ये धक्का सेंटर ऑफ मास में कितना लगा हुआ है, सेंटर ऑफ मास में कितना लगा, तो कैसे फाइंड करूंगा। अब ये पी कौन है, इट इज अ मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं बताऊं अगर ऐसे लिखूं dy/dt पी की वैल्यू को डालूं तो क्या आएगी बताओ, एम dy/dt आर लिख सकते हैं ना यार, पी की वैल्यू डाली मैंने, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन बनने वाली है इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं यार dy/dt क्यों ना इसको बाहर ही निकाल दूं, तो क्या बन जाएगा ये, एफ इजिकल टू डी दो बार आ गया तो उसको ऐसे लिखते हैं d2/dt स्केयर, आगे क्या बचा है ना, क्या बचा, एम इन टू आर है ना, हाँ तो ये बचा। तो ये जो है बची ना, ये आ गई आपकी क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ किसकी, सेंटर ऑफ मास की, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर मास, और कुछ नहीं करना, यहां तक करना है इसको, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर मास, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अगर 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 हमें यह पता करना है कि मोमेंटम कंसर होता है नहीं होता है, यहां तक भी रख सकते हैं इसको, एम इन टू आर की करने की जरूरत नहीं, यहीं तक रखो। तो ये क्या बनी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की। अच्छा अगर ऐसा होता मैं कहूँ यार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके दिखाओ, तो कंजर्वेशन मोमेंटम का ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम भाई साहब कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम भी सेंटर मास का क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या कांस्टेंट है पता है, देखते हैं। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब अगर एफ जीरो होता तो भाई साहब ये जीरो, ये वाली जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो dy/dt पी ऐसे होता ना, फिर dy/dt में क्या आता, जीरो आता। मुझे तो मैंने क्या लिखा, एक तरह से ये नहीं लिखते मैंने dy/dt पी इज इक्वल टू जीरो। आप मुझे बताओ किसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, dy/dt ऑफ 3 इज जीरो। इसका मतलब अगर ये आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स मोमेंटम जो था वो क्या था, कंजर्व था। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, समझ आया।
तो ये अगर क्वेश्चन आपको आया एग्जाम में तो देखो कैसे भी करके पूछा जा सकता है, तो आप इसी एक डेरिवेशन से तीन चार क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो आया सिर्फ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो यहाँ रुक जाना है। अगर बोलेगा फाइंड द मोमेंटम ऑफ सेंटर मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो यहाँ पहुँच जाना है। अगर आया फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर मास, तो यहाँ पहुँच जाना है। एक स्टेप आगे है ना, एक स्टेप आगे लिखना है। अगर उसने पूछा कि क्या मोमेंटम ऑफ सेंटर मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम कंजर्व करता है, तो भाई साहब बता देना उसको, एक स्टेप आगे लिखना है आपने। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो भाई मोमेंटम को कुछ नहीं हुआ होगा, मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा। ये देखो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा आपका जी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी पूरी डेरिवेशन किसकी, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है जी।